Hello everyone, this is Arjun, a proud FinTrammer and a faculty for Financial Accounting. Welcome to FinTram's Financial Accounting Memory 8 series. As you know, there are so many concepts and so many topics in financial accounting which is hard to memorize, and it is really important for the purpose of financial accounting. So what FinTram has done, we have created some short videos. It will help you to memorize such concept, and it will also help you when you are about to take your exam to get a quick review. So let's see what our today's topic is all about. Wait. It seems that most of you who are watching this video have not subscribed to our channel. You would miss the new videos and the updates. Subscribe now and press the bell icon. About basic principle of consolidated statement of profit and loss. As you already know, consolidated statement in financial accounting exam is really important. काफी important topic है और काफी सारे questions से related जो हमारे section B है, जो हमारे exam का section B है, उसमें आते हैं. जो हमारा multitask questions होते हैं, उसमें हमारे consolidated से related questions आ सकते हैं. इसमें एक topic है हमारा consolidated profit and loss. उसके कुछ steps हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको profit and loss में हमेशा याद रखनी है. Consolidated profit and loss क्या होता है? आपकी एक पेरेंट कंपनी है और एक सब्सिडरीज कंपनी है. सब्सिडरीज कंपनी और पेरेंट कंपनी को हम मिक्स करके एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनाएंगे. उनका जो प्रॉफिट होगा, जो हमारे पेरेंट का प्रॉफिट होगा और जो हमारे सब्सिडरीज का प्रॉफिट होगा, उनको मैच करके एक वन यूनिट बनाएंगे और उसकी वन ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्रिएट करेंगे. इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रिएट करने के लिए, जो प्रॉफिट एंड लॉस क्रिएट करने के लिए कौन कौन सी चीजें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो देखते हैं. सबसे पहले तो हमारा है रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस टुगेदर. एड रेवेन्यू, जो हमारा पेरेंट का रेवेन्यू होगा और जो हमारा सब्सिडीज का रेवेन्यू होगा, वो दोनों को ऐड कर देना है. लेकिन ऐड कैसे करना है? अगर सब्सिडीज को मिड ईयर में एक्वायर करा है तो आपको वो प्रोपोर्शन करना होगा. जो हमारा रेवेन्यू होगा और जो हमारे एक्सपेंसेस होंगे, जो ऐड होंगे, सिर्फ वही होंगे जो एक्विजिशन के टाइम के बाद से हुए हैं. प्री एक्विजिशन से रिलेटेड कोई भी रेवेन्यू, कोई भी एक्सपेंसेस हम कंसोलिडेटेड में ऐड नहीं करेंगे. इसके बाद आएगा हमारा इंट्रा ग्रुप सेल्स एंड परचेजेस. अगर एक सब्सिडरीज ने पेरेंट को कुछ सेल करा या पेरेंट ने सब्सिडरीज को कुछ सेल करा है, तो ये सेल्स तो क्या है, एलिमिनेट हो जाएंगी. एलिमिनेट क्यों हो जाएंगी? क्योंकि ये सेल्स एक कंपनी के विद इन हो रही है. आप अपने आप को ही कुछ चीजें सेल नहीं कर सकते. आप अपने आप से कैसे प्रॉफिट कमाएंगे? जब हम कंसोलिडेट करते हैं, जब हम एक ही स्टेटमेंट बनाते हैं, तो उस स्टेटमेंट में ऐसे रिसीवेबल्स होंगे, ऐसे पेबल्स होंगे जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं. तो हमने क्या करना है, इसको एलिमिनेट करना है. तो हमारी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होगी जो पेरेंट और सब्सिडीज के बीच में है, इसको हम एलिमिनेट कर देंगे. इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन हमने अपने क्वेश्चन बैंक में देखे थे और इस कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे से अपने लेक्चर में समझा हुआ है और काफी सारी डिटेल्स को कवर किया हुआ था. इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद है एलिमिनेट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट. अगर कोई प्रॉफिट है जो अनरियलाइज्ड है, जो हमारी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इंक्लूड है, तो हमें क्या करना है, उसको भी एलिमिनेट कर देना है. आप क्या अपने राइट हैंड को कोई भी सेल कर रहे हैं, क्या आपने वो लेफ्ट हैंड को सेल कर सकते हैं? नहीं. इसी तरीके से आप पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के बीच में अगर आपकी कोई सेल्स हो रही है, कोई परचेज हो रही है, अगर उसके बीच में कोई प्रॉफिट है, तो उस प्रॉफिट को आपको रिमूव करना है, उसको एलिमिनेट करना है. यहाँ पर कहीं स्टूडेंट्स काफी सारी मिस्टेक कर देते हैं जहां पर वो प्रॉफिट अमाउंट को रिड्यूस नहीं करते. अब ये प्रॉफिट अमाउंट रिड्यूस कैसे होगा, आपको अपने कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड कर देना है. कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली ये रेवेन्यू में से डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है. इसके बाद है हमारा एट्रीब्यूट प्रॉफिट्स टू एनसीआईएन पेरेंट. सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है जो हमारा लास्ट में आता है. आपने पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट कर ली, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस बना लिया, सारा कंसोलिडेट कर दिया, लेकिन लास्ट में जो प्रॉफिट निकल के आएगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर, इसको एट्रीब्यूट करना है. एट्रीब्यूट किसमें, एक पार्ट तो किसमें डिपेंड जाएगा, किस पे एलोकेट होगा,
पेरेंट में, दूसरा पार्ट किस में एलोकेट होगा, एनसीआई में, अगर कोई एनसीआई है। एनसीआई मींस नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, जिस पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। अगर ऐसा सब्सिडरी है जिसका सिर्फ हमने 75% या लेस देन 100% एक्वायर करा है और उसमें कोई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, तो आपको उस नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को प्रॉफिट एट्रीब्यूट करना है। ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने स्टेप मिस कर दिया तो आपके मार्क्स भी मिस होंगे। लेकिन अब हमने कंसेप्ट को पढ़ लिया है, इसको अच्छे से कवर कर लिया है अपने क्वेश्चन मैराथन और अपने लेक्चर्स में, तो ये स्टेप बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए। सो इस स्टेप में क्या करना है, आपको प्रॉफिट जो ईयर आएगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर आएगा लास्ट में, इसको पेरेंट में और सब्सिडरीज में, मतलब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में आपको डिवाइड कर देना है, और उसके बाद टोटल करना है प्रॉफिट फॉर द ईयर। दिस इज ऑल रिलेटेड टू कंसोलिडेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई होप यू लाइक माई वीडियोज, एंड इफ यू वांट टू कीप वॉचिंग सच वीडियोज, देन प्लीज सब्सक्राइब फिनट्रैम यूट्यूब चैनल and press on bell icon. So whenever you post anything, you will be the first person to know it. With this, I'm Arjun signing off now.